वाला फ्लेवर है मानी, देखो कैसे फिनिश कर देगी। मिल्क वाला फ्लेवर है बेटा, ये एकदम फिनिश करेगी मानी, मानी एकदम फिनिश करके देगी। अभी तो रोएगी भी नहीं देखना मानी, क्योंकि गर्ल्स आर स्ट्रांग, गर्ल्स आर स्ट्रांग। मीठा कैसे देख रहा, मीठा बोल रहा मुझे भी दो दवाई आइसक्रीम वाली, मैं भी खाऊंगा आइसक्रीम वाली दवाई है भाई। हमारी स्ट्रांग गर्ल है मानी, अभी 1 मिनट में पूरी दवाई फिनिश कर देगी। आज मानी गई थी डॉक्टर के पास, मानी क्यों गए थे बेटा आप डॉक्टर के पास? हाँ यहाँ पे पेन हो रहा ना, तो मम्मा बताएगी कैसे हो रहा मानी के पेन है। लेकिन अभी मानी को पहले खाने देते हैं हम दवाई, खाओ बेटा। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, गुड आफ्टरनून, सुबह दोपहर या सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, पहला बार नमस्कार, छोटे को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। दोस्तों कैसे हो आप सब, आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को कुशल मंगल, और हम लोग भी हैं आपका कुशल मंगल। दोस्तों मैं मीना रावत एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मीना फैमिली ब्लॉग्स के में। दोस्तों हम उत्तराखंड मोड़ा से लेकिन रहते हैं बैंगलोर में, तो अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं बैंगलोर से, और मेरे ब्लॉग की शुरुआत होगी आफ्टरनून से। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और मीता चिंगा मोरा छोया था या अभी उठाया, दीदी अभी सोई है, दीदी को थोड़ा सा कल यहाँ पे कान के नीचे मतलब यहाँ पे थोड़ा सा उसको स्वेलिंग थी, और बोल रही थी मम्मा मेरे को ना दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। तो फिर आज उसको डॉक्टर, कल उसको फीवर भी आ गया दर्द के चक्कर से, तो वही कल मानी को बहुत फीवर की हमने दवाई दी, तो फिर फीवर तो सही हो गया था। लेकिन फिर हम आज सुबह उसके पापा मानी को ले गए डॉक्टर के पास, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा इन्फेक्शन है, तो फिर वही मानी दवाई वही खा के अभी सोई है। तो फीवर तो नहीं है, लेकिन वही वही खा के उसको शायद नींद आई है, तो उसको भी सोने देते हैं। और मीठा सिंह ये अभी उठा है, मीठा सिंह को कराती हूँ मैं लंच। मीठा बैठ के पापा के साथ क्या खा रहा है ये सड़ा हुआ एप्पल? बाहर से कितना अच्छा था देखो, लाल कभी तो बोलते हैं बाहर से कभी भी नहीं जाना चाहिए, अंदर की सुंदरता अंदर से पता चलती है। देखा बाहर की सुंदरता में नहीं जाना चाहिए, कहानी है इसके ऊपर, कहानी बन गई। तभी तो बोलते हैं बाहर की सुंदरता में नहीं जाना चाहिए। पापा, तुमने सोचा होगा कि एप्पल बड़ा सुंदर लग रहा है, अंदर से भी अच्छा होगा। पापा निकल गया काला मटा टुकू, तुम क्या खा ले हो? एप्पल वाह, एप्पल खा रहा है मीठा। रात के खाने के मेनू में क्या क्या था यहाँ तक, तुम भी हो गया फिनिश भी हो गया खाना, क्या क्या था बताइए रावत जी? कड़ी चावल चटनी, मूंगफली की चटनी और पुदीने की चटनी, तो कौन सी टेस्ट लगी थी बोलो? अरे मीठा का देखो क्या देख रही, फोटो फाड़ेगी यार वो मीठा, इधर जाओ तुम फोटो फाड़ते हो और देखो डांस करो वहाँ। और मैंने तो अपने लिए छाछ भी बनाई है फर्स्ट क्लास, मैंने कहा छाछ पीऊँगी आज मस्त करके, तो फटाफट से खा लेती हूँ मैं भी अपना खाना, ये पुदीने की चटनी यम्मी यम्मी। तो आइए दोस्तों आप भी हमारे साथ खाने के मज़े लीजिए, मतलब फटाफट से खाना फिनिश करती हूँ, वरना मीठा हमें बहुत परेशान करेगा, है ना मिठलू? तो अभी फाइनली हम लोग का खाना हो गया है, और मानी को दवाई पिलाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, है ना? एक घूट दवाई पी रही है, एक घूट पानी पी रही है, तो क्या यार तुम क्या सही हो गया यार? मैं तो यही थला थल, तो वो पापा भी गई है। मैं अभी थी बचपन में मतलब दवाई खाने के करती थी आना खानी, लेकिन फिर बाद में तो मैंने खानी स्टार्ट कर दी, मैंने कहा इतना भुगतने से अच्छा खा लो तो सही हो जाएगा करके, तो खा लेती थी। अभी रो रो ला रो ला के बड़ी मुश्किल से खाने खिलाई दवाई, जो दवाई सूंघेगा ना वो ऐसी करेगा, दवाई सूंघती है अब तब उसे सूंघ के तो बिल्कुल दर्द भी बता रही थी, तो इसीलिए उसको अचानक से फिर मैंने कहा चलो उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ तो ये सही होगा, क्योंकि डॉक्टर दवाई देंगे एंटीबायोटिक या कुछ भी इन्फेक्शन इन्फेक्शन हो रहा होगा तो सही हो जाएगा, इसीलिए उसको पापा ले गए आज सुबह अपने साथ डॉक्टर के पास। ये हमारा वो मना मुँह साफ नहीं किया, खुला नहीं किया क्या खाना खाने के बाद? गंदा सा लग रहा है तुम, ब्रश नहीं करो तो पापा। हाँ और डॉक्टर अंकल ने क्या बोला, 2 टाइम ब्रश, अरे वो मुँह भी अच्छे से साफ करो ठीक है, अब ब्रश करके आओ। और दवाई पी ली आपने अपने टाइम में? दो दवाई पी ली ना, अभी स्ट्रांग हो गए
रो रो के पिलाना, रो रो के। तो जाओ चलो ब्रश करवा दो इसको। मत करो, रात तक मैं निकाल दी तो दो हाई। तो फिर एक काम करो, मुंह अच्छे से साफ करो मानी, देखो बिल्कुल क्लीन नहीं हो गया मुँह। जाओ बेटा खुला कर ले भाई। वो तो ऐसे ही रहता है शुरू से ही मानी, दवाई के नाम पे तो पहले ही उसे उल्टी आने का हो जाता है, सोच सोच के पहले करने लग जाती हो। अभी पानी पी पी के उसको थोड़ा सा दवाई को और ले रही है। आज मिस्टी भी थक गई, मीठा तो सो गया, आज दिन में सोया नहीं था इसलिए मीठा भी सो गया। तो रावत जी, रावत जी कह रहे हो, रावत जी तो अभी भी दवाई खाने के लिए बहुत करते हैं, हैं अभी भी दवाई खाने के लिए ऐसे ही रहता है इनका। झूठ मत बोलना, पिछली बार जब कब हुई थी, एक बार दोबारा बार आए थे तब दवाई खानी छोड़ दी उन्होंने, जब वहाँ तुम एडमिट भी हुए थे लेकिन दवाई नहीं खाई थी। हाँ तो क्यों नहीं खाई थी बताओ अपनी खान। भाई देखो, जब दवाई नहीं खाएगा उसको फिर वैक्सीनेशन नहीं लगती है, तो तब ग्लूकोज में दवाई डाल के उनको खिलानी पड़ी। मैं सोचती यार बीत्री इतने से अच्छा खा लो क्या है, थोड़ा सा गोली तो जा रही है। पहले मैं भी ऐसी करती थी, फिर खाना स्टार्ट कर दिया मैंने, बीत्री से अच्छा पहले खा लेती दवाई। हमारे पापा बोलते थे देखो मैं तो ऐसे खा रहा हूँ, ये देखो बिना पानी के ही पापा घूट देंगे। बस पापा से डरता है, पापा से देखते थे तो फिर पापा हिम्मत दे देते थे, हम पूरा खा लेते थे। माने आपने एक घूट हल्की ली, कितना स्वेलिंग हो रही है अभी, ऐसे करो इधर को करो, ये यहाँ पे जा रही है इसकी स्वेलिंग, थोड़ा दवाई नहीं खा रही प्रॉपर तरीके से यार, सही हो जाएगा ठीक है। पानी पी रही यार दवाई के साथ, बिल्कुल अभी करो मुँह साफ करो। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग को भी कर लेते हैं, क्योंकि मानी को भी सुला देते हैं, मानी को थक गई है, बेटा तो सो गया। और मिलेंगे आपको ऐसे ही हम लोग का इसी तरह मज़ेदार ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ अच्छे से शेयर कीजिए, जो मेरे चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मानी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए दोस्तों। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक फॉर वॉचिंग।